फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज रिजवान हफीज और आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है कि कोरोना वायरस आखिर खत्म कब होगा। कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं पहले ही बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और इस तरह की डिफरेंट मेडिसन यूज की जा रही हैं उनके मैकेनिज्म के बारे में बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। फिर कोरोना वायरस पेंट्रेट कैसे होता है, उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, ये सारी बातें मैं बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ। आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, वो ये है कि कोरोना वायरस खत्म कब होगा। और मोस्टली जो रिप्लाई आते हैं वो ये आते हैं जी सितंबर तक जाएगा, अगस्त तक जाएगा, जून में तक जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने ये जो डाटा इकट्ठा किया है ना, ये मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है, ना ये किसी एक इन्फेक्शियस स्पेशलिस्ट डॉक्टर या किसी एक वायरोलॉजिस्ट का की बेस पे ही डाटा। ये बहुत से रिसर्च पेपर पड़े हैं जिनमें लंदन के डॉक्टर्स, अमेरिकन डॉक्टर, चाइनीज डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से वायरोलॉजिस्ट, उनकी डिटेल पेपर पढ़ने के बाद मैंने ये डाटा कलेक्ट की है। तो थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो को अटेंटिवली देखिएगा, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये होने क्या वाला है और ये कब तक ऐसे चलेगा। ये लॉकडाउन और ये अपने घरों में रहना और ये खौफ जो एक है, ये कब तक चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली इसमें 18 मंथ लगेंगे। 18 मंथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जी डॉक्टर ए डब्ल्यू स्मिथ। ही इज प्रोफेसर इन लंदन स्कूल ऑफ हाइजेनिक एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, उनके प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा ये कम से कम लगेंगे। ठीक, उन्होंने ये बात क्यों की है, कैसे किया, ये सिर्फ उन्होंने नहीं की, और भी बहुत से जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को दोहरा चुके हैं कि इतना टाइम तो कम से कम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये तब तक नहीं जाने वाला, ये तब तक हमारी जान नहीं छोड़ने वाला जब तक इसके अगेंस्ट कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी ये एंड नहीं होगा। अब एक और जो सुनने को बात मिल रही है हमारे सोशल मीडिया पे, जो फेक न्यूज आती है, वो ये कहते हैं कि चाइना ने जो है वैक्सीन बना ली है, इस वैक्सीन की वजह से उन्होंने जो 2-3 मंथ के अंदर अपना जो है कोरोना वायरस खत्म कर दिया है, और अब वो जो कि हम पाकिस्तान को सप्लाई करने वाले हैं और डिफरेंट कंट्रीज को सप्लाई करने वाले हैं तो हमारा भी कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ऐसा नहीं है। ठीक, सिर्फ चाइना अकेला वैक्सीन नहीं बना रहा, बहुत से कंट्रीज वैक्सीन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैक्सीन रेडी हो गई है। ठीक, चाइना में जो ये ओवरकम हुआ है, ये कोरोना वायरस खत्म हुआ है, उसकी रीजन कुछ और है। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने बड़ा एक एग्रेसिव किस्म का लॉकडाउन किया है जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे जो पेशेंट है दे आर इन्फेक्टेड, और ये जो हमारे पेशेंट है ये नॉर्मल है। उन्होंने बिल्कुल उनको सेपरेट कर लिया है, और जो सेपरेट थे उनके अंदर भी जो कुछ जिनके अंदर वायरस चला गया था और जो सिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक थे तो लॉकडाउन की वजह से उनका एक्सपोजर नहीं हो सका, तो वो वायरस या तो उनके अंदर खुद ही ठीक हो गया, लेकिन या फिर उनको जब सिम्टम्स आए हैं तो किसी और तक तो फैला नहीं था, तो वो उनको हॉस्पिटल लेकर उनको ट्रीट किया गया। ये एक अग्रेसिव किस्म का लॉकडाउन था जिसकी वजह से जो चाइना में कोरोना वायरस की पहली फेज आई थी वो खत्म हो गई है। लेकिन जो चाइनीज एक्सपर्ट हैं दे आर रेडी, उनके डॉक्टर रेडी हैं कि उन्हें लगता है कि सेकेंड फेज भी आ सकती है, और अगर सेकेंड फेज आती है तो फिर ऑब्वियसली उन्हें भी उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेज से गुजरना पड़ेगा जो कि फिर बाकी पूरी दुनिया गुजर रही है। ठीक, अब इसमें इम्यूनिटी का क्या रोल है वो मैं अगले टॉपिक में बात करूंगा। क्यों कुछ कंट्रीज में ज्यादा डेथ हो रही है, क्योंकि कहीं पर कम हो रही है, इम्यूनिटी से का कोरोना वायरस से क्या तो लगे, इसके अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, मैंने एक बात की है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक ये वायरस खत्म नहीं होने वाला। तो वैक्सीन कब आएगी? अप्रोक्सीमेटली 80 कंपनीज जो है वो इस दौड़ में चल रही है। कंपनीज और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं, चाइना के, उसके जर्मनी के, फ्रांस के, अमेरिका के, लंदन के, सारी जो कंपनी है वो वैक्सीनेशन बना रही है। ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स पे, यानी कि जिनको ये इजाजत मिल गई है कि वो अपनी वैक्सीन ह्यूमन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो पहली जो सेफ्टी प्रोफाइल था एनिमल्स के ऊपर वो उसे गुजर गए हैं और ना वो क्लिनिकल ट्रायल के अंदर चले गए हैं। ठीक, अच्छा वो मेथड कौन से यूज कर रहे हैं? अब बेसिकली आपको पता होगा कि ट्रेडिशनली 2 मेथड हैं। एक क्या करते हैं हम लाइव बैक्टीरिया जो कि वीक होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन के अंदर, और दूसरा हम क्या करते हैं कि कोई फ्रैगमेंट वायरस का या पूरे के पूरे वायरस को इनएक्टिव करके डेड करके उसके अंदर हम ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब वो डेड वायरस या कोई वायरस का पार्टिकल वीक वीक वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडी। और नेक्स्ट जब फ्यूचर एक्सपोजर होता है और वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ऑलरेडी हमारी एंटीबॉडीज
हमारी आर्मी रेडी होती है उन इन्वेडिंग वायरसेस को ओवरकम करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए, उनको किल करने के लिए। तो इस तरीके से वैक्सीन काम कर रही है, मतलब हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है क्योंकि हमारी आर्मी बिल्कुल रेडी बैठी होती है कि अब आने दो जरा कोरोना वायरस को, हम इससे लड़ने के लिए तैयार है। ये वैक्सीन का मैकेनिज्म है। तो इन ये दोनों तरीकों में ना थोड़े थोड़े कुछ मसले मसाइल हैं। अब होता क्या है कि जो लाइव अगर आप वायरस को यूज करें या उसको वीक यूज करें, देर आर पॉसिबिलिटीज कि वो वायरस अंदर जाके दोबारा इवॉल्व करे और दोबारा पर्सन को सिक करना शुरू कर दे, उसको बीमार करना शुरू कर दे, ठीक। और दूसरा जो हम उसमें इनएक्टिव वायरस लेते हैं, उसमें मसले मसाइल ये है कि आपको बड़ी रिपीटेड डोजेस देनी पड़ती है, ठीक है, बड़ी और बार बार रिपीटेड डोजेज देनी पड़ती है। जैसे अक्सर आपने वैक्सीनेशन के, अगर आपने इंजेक्शन का लगवाए हैं तो आपको बताते हैं ये 2 मंथ बाद दूसरा टीका, 3 मंथ बाद, तो ये रिपीटेड डोजेज लगानी पड़ती है इस केस में। तो ये दोनों तरीकों से बचने के लिए, कि ये ड्रॉबैक्स है ना, एक आजकल जो यूज किया जा रहा है वो रिकम्बिनेंट मैथड। अब रिकम्बिनेंट मैथड में क्या होता है कि आपको पता है कि वायरस, मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि वायरस के ऊपर ना बेसिकली स्पाइक प्रोटीन होती है, उसके एनवेलप के ऊपर स्पाइक प्रोटीन होती है। इन स्पाइक प्रोटीन की वजह से वो हमारे सेल्स के अंदर जाता है और वहां पर रेप्लिकेट होता है और फिर अपने वो हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। अब बेसिकली क्या करेंगे, अब ये स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए ना वायरस के आरएनए के अंदर, वायरस के जीनोम के अंदर ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, ठीक है, जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो ये वायरस की प्रोटीन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस को, इसको बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, और जब वो फिर रेप्लिकेट करता करता बहुत से बैक्टीरिया बनेंगे, तो वो बहुत से बैक्टीरिया बहुत ही प्रोटीन हमें देंगे। अब हम हमें हमें पूरा वायरस नहीं मिलता, क्योंकि हमने वायरस के इस डीएनए से ये जो जीन है, इस ये स्पाइक प्रोटीन बनाने वाली जीन, इसको सेपरेट कर दिया था और इसको बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर दिया था। अब जब बैक्टीरिया डिवाइड करता जाएगा तो उसके अंदर ये स्पाइक प्रोटीन भी प्रोड्यूस होती जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर से हम स्पाइक प्रोटीन को सेपरेट कर लेंगे और सिर्फ ये स्पाइक प्रोटीन हम इंसर्ट करेंगे ह्यूमन के अंदर। अब पहली बात है, स्पाइक प्रोटीन तो इतनी खतरनाक नहीं है, अंदर खतरनाक तो अंदर ये जीनोम है ना वायरस का, स्पाइक प्रोटीन तो सिर्फ हेल्प करती है पेनिट्रेट करने में। तो हम क्या करेंगे, स्पाइक प्रोटीन हम ह्यूमन के अंदर इंसर्ट करेंगे, उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब वो है भी सेफ, ह्यूमन के अंदर भी कोई टॉक्सिसिटी वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा और एंटीबॉडीज भी जो है हमारी बन गई नहीं है। अब जैसे कभी वायरस आएगा तो उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होगी, तो हमारी एंटीबॉडीज फौरन से आगे स्पाइक प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर देंगी, जिसकी वजह से जब ये स्पाइक प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगी तो वायरस हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकेगा, हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। तो ये रिकम्बिनेंट मेथड, इसकी तरफ भी अब जाया जा रहा है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसकी तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके बाद वैक्सीन बनने के बाद उन सब वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली क्या होते हैं कि उनको फिर डिफरेंट ह्यूमंस के ऊपर उनको पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन बनी और मार्केट में लॉन्च होगी, ऐसा नहीं होता। क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली ना 4 फेजेज होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फेजेज। अब पहली फेज में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड से 15-20 ह्यूमन के ऊपर, हेल्थी ह्यूमन के ऊपर इनको ट्राई किया जाता है वैक्सीन को। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसको कई 100 लोगों के ऊपर और डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एज के लोगों में, डिफरेंट जैसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट रीजन के लोगों में, सर्द इलाकों में रहने वाले लोग, गर्म इलाकों में रहने वाले लोग, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, तो इन सब उन सब के ऊपर, मेल फीमेल जेंडर वाइज, उन डिफरेंट लोगों के ऊपर उनको ट्राई किया जाता है, ठीक। फिर डाटा इकट्ठा करके उसकी सेफ्टी प्रोफाइल, उसकी सारा सारा को एवेल्युएट करते हैं। उसके बाद कई 1,000 लोगों के ऊपर ट्राई किया जाता है, ठीक। उसके बाद उसको भी हम उसके पूरे डाटा फिर मुकम्मल तौर पर अवेलुएट किया जाता है। अब पहले डाटा इकट्ठा करना, फिर उस डाटा को अवेलुएट करना, हर एक फेज में कितना टाइम टेकिंग होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक। थर्ड स्टेज, फेज 3 क्लियर करने के बाद वैक्सीन अगर बिल्कुल सेफ होती है और वो अपने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, इफेक्टिव भी और सेफ भी है, दोनों चीज देखने के बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है और वो अपनी प्रोडक्शन शुरू करके मार्केट में जा सकती है। लेकिन फिर भी इसके फेज 4 ट्रायल्स भी होते हैं कि मार्केट में जाने के बाद भी उसके उसका डाटा इकट्ठा करते रहते हैं और उसको एवेल्युएट करते रहते हैं। अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट आता है ऐसा, तो फिर वो मार्केट से ही विड्रॉ करा ली जाती है। ये फेज 4 ट्रायल होते हैं, लेकिन फेज 3 के बाद अमूमन जो है वो शुरू हो जाता है प्रोडक्शन। बट ऐसा नहीं होता है, पॉइंट ये है कि लाजमी नहीं कि जितनी कंपनीज जो है ये वो वैक्सीन बना रही है, ये सारी की सारी फेज 4 तक पहुंचे। कुछ ऐसी होंगी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से आगे और एनिमल स्टडी से आगे नहीं जा सकेंगी, कुछ अगर क्लिनिकल ट्रायल में होती है माइट बी पॉसिबल है फेज 1 तो वो क्लियर कर रहे हैं लेकिन फेज 2 में वो इफेक्टिव ना हो, ठीक, कुछ फेज 3 में इफेक्टिव ना हो। तो इसीलिए जो ब्रूस गैलेन है,
डॉक्टर ब्रूस कैलन, उन्होंने कहा है कि नॉट ऑल द हॉर्सेस दैट लीव स्टार्टिंग गेट विल फिनिश द रेस। ऐसा नहीं है कि जितने वैक्सीन बन रही है वो सारी की सारी एंड तक ही पहुंचेगी, ठीक। तो इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड, अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो वैक्सीन बनती है उनको डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। ऐसा नहीं होता कि एक बार शुरू हो गया काम तो एंड तक मुकम्मल हो गया, वैक्सीन बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1960 में एक वैक्सीन बनी थी एक वायरस के अगेंस्ट, तो उसमें क्या हुआ था कि सिम्टम्स को जब उनको क्लिनिकल ट्रायल दिया गया फेज वन में क्लियर करके, फेज टू में जब डिफरेंट कंट्रीज में भेजकर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए डाटा इकट्ठा किया गया, तो उन्होंने सिम्टम्स को कम करने के लिए सिम्टम्स को जरा बढ़ा दिया, डिजीज के जो सिम्टम्स उनको जरा बढ़ा दिया, तो उसको स्टेज टू से भी वापस ले जाया गया, ठीक। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हुआ था सार्स के दौरान, ये जो अभी रिसेंटली एक आई थी पेंडेमिक सार्स थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल एक्सपेरिमेंटल लेवल था वहीं पर वो एनिमल के अंदर टॉक्सिसिटी आना शुरू हो गई, तो फिर वहीं से उसको विड्रॉ करा लिया गया और उसके वो सारे इश्यूज रिजॉल्व किए गए, ठीक है। उसको स्टडी किया गया किस वजह से आ रहे, इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारे फेजेस को, उसकी सिंथेसिस क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हुए ही ए डब्ल्यू स्मिथ ने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ लगेंगे वैक्सीन बनने में, कि क्लिनिकल ट्रायल से गुजरने के मुकम्मल जो प्रोसीजर है 18 मंथ लगेंगे। और उन्होंने कहा था ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, अगर ये हम बिल्कुल स्पीड से चलते रहें, स्मूथली सारे काम होते रहे तो 18 मंथ लगेंगे, ठीक। और दूसरी बात है बन भी जाती है, सारे स्टेजेस क्लियर ही भी होगी, तो क्या और जो कौन से इश्यूज जो हमें इस वैक्सीन की आ सकते हैं, वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड। जो भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये रेस विन करेगी और वो एक वैक्सीन तैयार कर लेगी जो क्लिनिकल ट्रायल्स को भी बिल्कुल क्लियर कर देगी, तो क्या उसके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी कि वो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल पेंडेमिक है, ये किसी एक रीजन किसी एक मुल्क में नहीं है, अभी तो पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया की वो उसको सप्लाई करना होगा, इस इश्यू को भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद इसीलिए जो जोनाथन कुक है, ही इज प्रोफेसर इन ड्यूक यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स है दे आल्सो बी अ लिमिटिंग फैक्टर्स, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है कि वैक्सीन बनेगी कैसे कौन से तरीके, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके इस इशू को डील करते हुए मुश्किल आ रही है, बल्कि उस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसके लिए पॉलिसीज कैसे बनेंगी, उसकी जो इकोनॉमिकल इश्यूज होंगे उनको कौन सॉल्व करेगा, ये सारी भी चीजें हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और हमें अर्जेंट बेसिस पे करना है, ठीक। तो उससे जैसे कि आपको पता है 2009 में जब इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, तो उससे क्या हुआ था कि जितने भी जो रिच कंट्रीज थे उन्होंने वो सारी वो स्नैप कर ली, छीन ली, अपने अपने पास ले गए, और जो पुअर कंट्री थे बेचारे वो वैक्सीन से शॉर्ट हो गए। तो यही रीजन ये इश्यूज अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम भी देखें जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका का हालात देख रहे हैं, इटली के हालात देख रहे हैं, वो तो उनका तो सत्यानाश हुआ पड़ा है, तो ऑब्वियसली इस टाइम भी ये हो सकता है कि जो पुअर कंट्रीज है वो तो बेचारे देखते रहेंगे, और जो रिच कंट्रीज है जब तक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती उसके बाद ये पुअर कंट्रीज की तरफ आएगा। सो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जब तक ये वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होती, और अल्लाह कहे होपफुली कि 18 मंथ के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो जाए, हमें इससे ज़्यादा डिले ना हो, ठीक। तो जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता वैक्सीनेशन का, तब तक इससे कैसे बचा जाए, तब तक हम अपने घरों के अंदर बैठ जाए, हम गवर्नमेंट लॉकडाउन करते हैं। देखिए लॉकडाउन जो है ना, जो भी इकॉनमी की थोड़ी बहुत नो हाउ रखता है उसे पता है कि लॉकडाउन हम जो डेवलपिंग कंट्री है अफोर्ड नहीं कर सकते, एक वीक तो दूर की बात है, दो दिन हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा कर्फ्यू लगा के लॉकडाउन करना, और 18 मंथ आप लोग कैसे मुल्क बंद करके बैठ जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, चलेगा कैसे मुल्क, बिल्कुल ये नामुमकिन बात, आई डोंट नो कुछ लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन के लिए लगा दो, जब दोबारा खोलेंगे दोबारा वही हालात हो जाएंगे, तो लॉकडाउन इशू नहीं है, हमें अपने आप को जो सोशलाइजेशन है इसको कम करना पड़ेगा, हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि बाहर जाते हुए मार्केट में जाते हुए हम एक दूसरे बंदे से स्पेस रखें, हमें ये ज्यूम करना पड़ेगा, हमारे माइंड में ये बात हमें डालनी पड़ेगी कि मेरे साथ वाला जो बंदा है वो बिल्कुल जो है वो वायरस का कैरियर हो सकता है, मुझे इससे बचना, आपको ये ज्यूम करना पड़ेगा, चाहे वो आपको नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि इस वायरस के सबसे बड़ा मसला फैलने की यही है कि पेशेंट आपको बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है बट उसके अंदर वायरस होता है और वो आगे आगे फैला रहा होता है, तो आपको ये ज्यूम करना पड़ेगा कि मेरे साथ हर खड़ा बंदा जो है वो वायरस का कैरियर है और मुझे इससे बचना होगा, ठीक। दूसरी बात है कि अपने आप को घरों के अंदर लिमिट रखें, बिल्कुल जरूरी काम हो तभी बाहर जाएं, जैसे घर आते हैं फौरन से अपने हाथ मुंह धो लें ताकि अगर कोई वायरस के पार्टिकल आपकी स्किन के ऊपर है तो वो उतर जाए, यही तरीके और यही हमें अपनाने पड़ेंगे जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती, वरना इसका और कोई हल नहीं है।
देखिए मेरा मकसद ना तो एक कोई पैनिक क्रिएट करना है ना ही डराना है, मैं फैक्ट्स की बेस पे बात कर रहा हूँ और मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन कुछ खसूसियत को अपना कर ही हम इस वायरस से इसको इसके जो असरात इसको कम कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाने का एक ही तरीका है और वो है जी वैक्सीनेशन, और उसके लिए इतना टाइम लगेगा। और सिर्फ प्रोफेसर AW स्मिथ नहीं, बहुत से वायरोलॉजिस्ट और बहुत से जो इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं वो ये बात कर चुके हैं। ठीक, सो प्लीज घरों में रहें और महफूज रहें। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगली वीडियो जो मेरी होगी वो होगा कि जो इम्यूनोथेरेपी है कोरोना वायरस के रिलेटेड वो कितनी की इफेक्टिव है और दुनिया उसके बारे में अब क्या सोच रही है कि, और अगर इसके बारे में कोई आउटब्रेक मिलता तो माइट भी पॉसिबल है कि वैक्सीन आने से पहले पहले हम इम्यूनोथेरेपी को यूज करके कोरोना वायरस को कवर अप कर सके, क्योंकि कोरोना वायरस से जो डेथ हो रही है मोस्टली उसमें वायरस से ज्यादा हमारा अपना इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन फॉर द फ्यूचर वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच।